तुम्हारे पास देने की ताकत है, तुम्हारे पास दुनिया की ताकत है, तुम्हारे पास पैसे की ताकत है, तुम्हारे पास सत्ता की ताकत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास भी जनता के गुमराह की ताकत है, जनता के आशीर्वाद की ताकत है। ये लड़ाई कल भी हम लड़ रहे थे, ये लड़ाई आज भी हम लड़ रहे हैं, और भाजपा वालों कल भी आपसे आंख मिला करके तुम्हारे इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल न रुकने वाला है, न छुपने वाला है, न बिकने वाला है, न टूटने वाला है। अरविंद केजरीवाल अकेला देश नहीं, पूरे दुनिया में नेता है जो चौराहे पर खड़ा होकर कहने की हिम्मत रखता है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दे देना, और अगर बेईमान हूं तो मुझे वोट मत दे। अकेला नेता, इसलिए आपसे कहने आया आज के जनता की अदालत में, कल दिल्ली के अंदर नई सरकार ने शपथ लिया है, सरकार का काम है अरविंद केजरीवाल के काम को जारी रखना, लेकिन यहां जितने इकट्ठा है उन सबके जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत से अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करना, ये हम सबके जिम्मेदारी है। ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये लड़ाई हम जीतेंगे। आप जैसे जिन जिन लोगों को भरोसा है ये लड़ाई जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल पुनः प्रचंड बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप एक बार हाथ ऊपर करते और एक बार ताला लगाएंगे कि अरविंद जी पहुंचने वाले हैं, बजाते रहो, नारा भी लगाते रहो, हाथ ताली लगा दो।